क्या कर रही हो? लाइट ऑन कर लो, फैन चला लो, गर्मी में मत रहो। हाँ ठीक है ना स्कर्ट। एक्चुअली इन कान में इसको लगा के रखती हूँ। मैं जब काम करती हूँ, मतलब कि खाना वाना बनाती हूँ, तो मुझे बोरियत फील ना हो इसके लिए मैं म्यूजिक हमेशा सुनती रहती हूँ। मेरे फेवरेट गाने हैं पंजाबी के, मैं हमेशा पंजाबी सुनती रहती हूँ, पंजाबी गाने सुनती रहती हूँ। अभी बन रही है वापस से सब्जी दूसरी वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आलू परवल की जो भिंडी सुबह बनाई थी, वो तो बच्चों के टिफिन के लिए थी और उनके खा के जाने के लिए थी। और ये बन रहा है अभी मेरे और रणधीर के लिए, तो आलू परवल। साथ में यहाँ पे कुकर में चढ़ी हुई है दाल, जो कि दोपहर के लिए है। मतलब आलू, आज दाल चावल बनेगा दोपहर में, थोड़ा सा आलू परवल का भुजिया रहेगा जो रणधीर खा लेंगे। रणधीर के लिए बॉयल चावल बनेगा, तो क्योंकि वो चावल नॉर्मल खाते नहीं हैं कुकर वाला, उनको होता है कि बॉयल चावल दे दो। इवन आवी के लिए भी बोलते हैं। ये देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, आपको दिख रहा है इसमें बारीक बारीक कीड़े दिख रहा है। ये वाइट चना है, 2 महीने पहले लेके आई थी और वो डिब्बा एक्चुअली पीछे की तरफ रह गया तो वो दिखा नहीं। तो जो पिछले इस महीने, मतलब पिछले महीने, ये 2 महीने पहले का है, जो पिछले महीने चना आया था उसको मैंने दूसरे डिब्बे में डाल दिया। ये दिखा ही नहीं कि पीछे रखा हुआ ऑलरेडी, और इसमें पड़ गए हैं कीड़े जो जिंदा। इसको थैली में निकाल दिया है, गैया मैया को खिला देंगे ले जाके, छान के कीड़े हटा देंगे वहीं पे छान के, और वहां पे डाल देंगे तो गैया मैया इनके चनों को खा लेगी। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि अगर 2 महीना पुराना हो जाता है ना कोई भी सामान, जैसे दाल वाल ये सब होती है, तो मैं जाके ज्यादातर गाय को दे देती हूँ, क्योंकि उनके खाने में यूज में आ जाती है। क्योंकि वो जो यहाँ पर ना हमारे भैंसियाँ का तबेला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वहाँ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ पे जाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आपके पास अगर कोई भी, जैसे आप महीने में सामान खरीदते हैं और वो यूज में नहीं आया है और अब आप उसको क्या करें, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लाके ना हमें दे दिया कीजिए, हम गाय को दे देते हैं। तो हम नाश्ता मैं तैयार करने वाली हूँ, पराठे बनाने वाली हूँ। इसके बाद में फिर मैं चली जाऊंगी मेरे मेरा ब्यूटी वाला जो चैनल है उसकी शूटिंग करने के लिए। उसका वीडियो मुझे शूट करना है अभी, और आज का जो वीडियो है वो सुपर वीडियो है। जब तक आप प्रॉपर मसाज नहीं करेंगे ना, आपकी स्किन टाइट बिल्कुल नहीं लगेगी। उसके लिए मसाज बहुत जरूरी होती है और उसके स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप स्टेप्स गलत कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आलमेस्टिक रहती हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर। फटाफट पराठे बनाती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि अभी तो एकदम पसीना हो रखा है। नहा चुकी हूँ लेकिन पसीना पसीना हो गया, तो दोबारा से तैयार होंगी फिर मैं। रणधीर चले गए हैं जिम, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे पैर में इतनी जोर से क्रैम्प आया है। मतलब अगर मैं घुटना मोड़ रही हूँ तो फिर वो मोड़ ही रही हूँ, सीधा कर रही हूँ तो फिर सीधा ही कर रही हूँ। मतलब ऐसा हाल हो गया कि मैं बैठ रही हूँ तो फिर यहाँ अगर मैंने घुटने को मोड़ लिया है तो मुझे उसको पकड़ के ऐसे करके मूव करना पड़ रहा है, इतना बुरा हाल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। सुबह एक्चुअली मैं सब्जी काट रही थी तो मैं फोल्ड करके बैठ गई पैर को, और उसके बाद जब मैं उठी उसको, मतलब बेड से उठी, क्योंकि मैं बेड पर बैठ गई थी, बेड से उठी, इतनी जोर से मुझे दर्द हुआ, मेरे तो चिक्के निकल रही थी। मतलब कोई और होता अगर व्लॉगर तो वो उसका व्लॉग जरूर बनाता, बट मैं नहीं बनाई क्योंकि मुझे लग रहा था कितना ऑड है यार, मैं मतलब मैं दर्द में हूं और मैं सोचूं कि मैं व्लॉगिंग करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं चल रही हूं तो मैं चलते चलते सारा काम कर रही हूं, अगर मैं बैठ गई और मैंने पैर फोल्ड कर लिया तो फिर वो फिर मेरे से बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए जिम तो मैं नहीं गई हूं, लेकिन रणधीर बोल के गए हैं कि चलना जरूरी है, अगर तुम बैठ जाओगे तो वो फिर क्या कहते हैं ना, ठंडा पड़ जाएगा और फिर वो और ज्यादा तुमको दर्द करेगा, तो तुमको मूव करना है। तो मैं एक तो वॉक कर रही हूँ घर के अंदर ही, लेकिन वो बोल के गए हैं कि मैं जिम से आ रहा हूँ तो तुम चलो थोड़ा सा तुमको वॉक करा के लेके आ जाता हूँ। जिम नहीं करोगे लेकिन एक वॉक कर लेना। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट, क्योंकि खाना कुछ ज्यादा बनाना नहीं है, रणधीर ने खाना नहीं है, वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कल मेरा हालत खराब हो गया था, बहुत ज्यादा खाना खाया था। आवी का तो एज यूजुअल जो उसका रूटीन है, उसको ओट्स या दूध रोटी अच्छा लगता है रात को। नोनिया खाएगी सैंडविच, मैं भी खाऊंगी सैंडविच,
ये पीछे स्टैंड लग रहा है आपको, दिख रहा है ये कपड़े धुल गए हैं, आज सुबह धोए थे मैंने कपड़े, ये सूख गए हैं, अब इनको हटाऊंगी। और यही छोटे मोटे काम है, किचन का कुछ ज्यादा काम है नहीं। मेरी स्किन देख रहे हैं बिल्कुल, मतलब मैं घर में जैसे लेटी हुई थी बस वही हूँ, कुछ नहीं है। इवन मेरा बिंदी भी हटा हुआ है, क्योंकि दिन में मैंने जो ब्यूटी वाला किया था ना मेरा शूट, उस टाइम पे ना वो बिंदी हट गया, उसके बाद से लगा ही नहीं है। तो मैं जाके अपनी बिंदी लगाती हूँ और शूट करती हूँ, फिर हो सकता है मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर दूं। अगर नहीं किया तो फिर मैं आपको जरा गैया मैया से मिलवा के लाती हूँ, क्योंकि उनके लिए थोड़ा खाना निकाल के रखा है जो मैंने सुबह भी बताया था। तो मैं जब वॉक करने जा रही हूँ तो या तो मैं वो लेती जाऊंगी, नहीं तो फिर ये ब्लॉग को फिर मैं यहीं खत्म करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक और बढ़िया से ब्लॉग में। हो सकता है छोटी मोटी कुछ ना कुछ गलतियां रहें। कुछ भी पसंद आए ब्लॉग में तो प्लीज लाइक जरूर करिए, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को भी, ताकि मैं रेगुलर अपने ब्लॉग्स बना पाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बस थोड़ा टाइम की कमी हो रही है, लेकिन मेरे पास इतना कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि आपको मजा आएगा उन सब चीजों को देख के, कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ मैं आपको लेके जा सकती हूँ, बहुत कुछ है। थोड़ा सा टाइम का चल रहा है कि टाइम कम मिल रहा है ब्लॉगिंग के लिए। देख, मैं थाने में रहती हूँ, एक्चुअली थाने में ही इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए कि आप लोगों को दिखेगा, अरे यार ये भी जगह है, ये भी जगह, ये भी चीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे से ब्लॉग में फिर से एक बार। बाय, गुड नाइट। अच्छा लग रहा है, कहाँ से ऊपर से कूदे मार के जाएंगे, इधर से चलते हैं, आगे से चलें, मेरा पैर बस चल ले भाई, एक एक करके उतरूंगी। आगे हम लोग गैया मैया के पास में, मैंने जैसे बताया था, तो हस्बैंड जा रहे हैं अभी खिलाने के लिए, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको जरा। हाँ गाय है यहाँ पे भाई, कौन सा वाला, यही तो है, एक ही तो है। अच्छा एक आगे वाला भी है, यहाँ पे भैंस है, इधर भैंस थी। ओ मिट्टी भी है। रात को इधर आए कितना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग गांव पहुंच गए जैसे। हाँ हाँ मजा आ गया, खुशबू इतनी अच्छी आती है, जहाँ पे भैंस होती है वहां पे खुशबू, गैया, चना है उसमें, क्या हुआ, दे दी उसको, वो खिला देगी, ठीक है चलो। ओ हेलो, ओ हेलो, ओ हेलो, भागो भागो, ओ तेरी, कुत्तों में फाइट हो रही। देखो एक भोका, सारे भोके, हस्बैंड गए हैं अंडा लेने के लिए उधर, पीछे मैं पूछी थी तब तो अंडा मिल नहीं रहा था, एक्चुअली वो बंदा था ही नहीं जिससे हम लोग अंडा लेते हैं, वो ठीक दे देता है, तो ये आ गए हस्बैंड लेके अंडा यहाँ से, तो मैंने बोला ज्यादा मत लेके आओ अभी फटाफट, अभी के लिए तो ले ही आओ, तो ये लेके आ गए हैं अभी फटाफट खाने के लिए। कल के लिए तो पनीर आ गया है बच्चों का, अभी बोला था मैं ले आऊंगा, बट मैंने बोला मैं ही ले चलती हूँ फटाफट। अंडा और पनीर कल सुबह के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए पनीर की सब्जी, आज तो भिंडी बनी थी तो उसको भिंडी बना दी, अभी कल के लिए सुबह। एक्चुअली पनीर इजी रहता है और अच्छा भी रहता है और हेल्दी भी होता है, बच्चे दिल लगा के खा भी लेते हैं, टिफिन पूरा फिनिश होके आता है, तो पनीर बनाने में कुछ नहीं जाता और जल्दी बनता भी है, सबसे बड़ी बात है जल्दी बनता है, और बटर पनीर हम सबका फेवरेट है तो फटाफट बनता है, तो कल सुबह बनने वाला है पनीर। अभी पापा खाएंगे अंडे ओनली। कौन सी यूनिफॉर्म डाला हुआ ना सूखने के लिए, यूनिफॉर्म मैडम जी की एक्चुअली धोई थी, क्यों क्या हो रहा है ना, हम लोग कल गए थे पीयूष के पास में, तो वो बोला कि जो पेंट है, मतलब जो यूनिफॉर्म का पेंट है, उसको आने में 2 महीना कम से कम जाएगा, तो नोनी के पास क्योंकि एक पिछले साल वाली पेंट रखी हुई है ऑलरेडी और स्कर्ट है ही उसके पास में, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन तो भी हम प्रिकॉशन के तौर पे भैया रोज रोज इसकी यूनिफॉर्म्स धो देते हैं, इनकेस अगर कल मॉर्निंग में कुछ नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी इसके लिए। अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं, बच्चे लोग खाना खा चुके हैं, अंदर जा चुके हैं, अभी तो अपना बिस्तर विस्तर सब लगा के अपना लेट गया है, क्योंकि उसको सुबह उठना होता है, 5 बजे उठता है वो भी, तो अभी ने खाया ओट्स, नोनी ने खाए हैं दाल चावल, मैं भी शायद अंडा या सैंडविच देख लूँगी क्योंकि ब्रेड लेके ही आए, और हस्बैंड तो खाली दूध लेंगे और बाकी अंडा बॉयल खाएंगे खाली। तो ये ब्लॉग आई होप, मतलब मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया होगा,
प्लीज एक लाइक जरूर देके जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।